नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकुर बजाज है। मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। जैसा कि हम लोग कोरोना वायरस से महामारी से अछूते नहीं हैं, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे केसेस कोरोना वायरस के आ गए हैं। मेरे मित्रगण, मेरे संबंधित, मेरे रिलेशन में सब लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या हमारे पास कुछ इसे प्रिवेंशन या प्रोफाइलेक्सिस का तरीका कुछ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग। जैसा कि प्रधानमंत्री ने बोला है, हम लोग को घर की सीमा को ही लक्ष्मण रेखा मानना चाहिए और इसे पार नहीं करना चाहिए। और हाइजीन मेंटेन करें, हाथ धोते रहें। और दूसरा तरीका ये भी है कि कुछ प्रोफाइलेक्सिस तरीके से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन का यूज़ करा जा सकता है। कई शोधों के मुताबिक ये वायरल लोड कम करने में हेल्प करती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को यूज़ करने के लिए बोला है, पर ये खाली उन्हीं को यूज़ करने के लिए है जो कि हेल्थ केयर एक्टिविस्ट हैं और जो कोरोना वायरस पेशेंट को देख रहे हैं, यानी कि टेक्नीशियन, नर्स या डॉक्टर जो कि कोरोना वायरस के संपर्क में आ रहे हैं। दूसरा, ये दवाई ऐसी नहीं है जो पहले यूज़ नहीं होती थी। ये मलेरिया के लिए और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस के लिए पहले भी यूज़ की जाती है। इस ड्रग के साइड इफेक्ट भी हैं, वॉमिटिंग, गैस्ट्राइटिस, उल्टी आना, सर में दर्द होना, इवन लॉन्ग समय में आंखों की रोशनी, रेटिनल डैमेज होना, कार्डिक एरिथमियास, क्यूटी प्रोलोंगेशन, ड्रग इंट्रैक्शन। इसका खास करके एक कॉमन ड्रग है एरिथ्रोमाइसिन, इसके साथ इस ड्रग को लेने में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के इस ड्रग को नहीं लेना। अब हमारी गवर्नमेंट ने भी इसको शेड्यूल एच में कर दिया गया है, जिसके कारण ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। बिना ऑथराइज्ड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के ये ड्रग नहीं मिलेगी आपको। बहुत सारे शोध चल रहे हैं कि वायरस का जो सटीक इलाज होता है वो वैक्सीन के थ्रू होता है, जो कि किसी वायरस के लिए पर्टिकुलर होती है। मैं आशा करता हूँ ये वैक्सीन जल्दी ह्यूमन यूज के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कृपया प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे ले सकते हैं, पर ऐसे सबको नहीं लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ICMR की गाइडलाइंस के मुताबिक खाली एक्टिवली हेल्थ केयर वर्कर्स को ही इस ड्रग की जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, हाथ धोते रहें, अपनी हाइजीन मेंटेन करें। मैं आशा करता हूँ हमारा देश कोरोना वायरस से लड़ने में सफल रहेगा। धन्यवाद। नमस्ते।